गोवंश तथा कटल अंगे रजूआतो मळती होय जिल्लाना दरेक अधिकारीओने गोवंशनी तस्करी तथा कतलनी गैरकायदेसर प्रवृत्ति चलावता ईसमो विरुद्ध कड़क हाथे कार्यवाही करवा आदेश आप्या हता। जे अनुसंधाने पालेजना पीआई एसएम देसाई अने तेमनी टीम पालेज टाउनना पेट्रोलिंगमां हती। ए दरमियान माहिती मळी हती के टंकारिया गाममां बाबड़िया कॉलोनी में रहते अल्ताफ यूनुस बाबड़िया एक बंद बंगला की पाचड़ भागे खुली जगह में जंगली बावड़ों की झाड़ी में ओठ में गौवंश जेवा पशुनु कटिंग करी रह्यो छे। जेथी पालेज पोलीसे तात्कालिक माहितीवाळा स्थळे तपास करी रेड करता अल्ताफ यूनुस बाबड़िया जावीद इस्माइल झीणा ने झड़पी पाड्यो हतो। पोलीसे स्थळ पर ज वेटेनरी डॉक्टर ने बोलावी प्राथमिक अभिप्राय मेळवता आ मांस गौवंश होवानुं जणावता 200 किलो गोवंश साथे जत्थो झड़पी पाड्यो हतो। अने ज्यारे एक वॉन्टेड आरोपी नामे इकबाल वली बाबेटियन ने पकड़ी पाड्यो हतो। पोलीसे स्थळ परथी मांस कटिंग करवाना साधनों इलेक्ट्रिक वजन काटो सहित तथा आरोपीओनी अंग झड़तीमांथी रोकड़ा रुपया मोबाइल मळी कुल मुद्दामाल किंमत रुपया 25,870 ने कब्जे करी एक आरोपी इमरान हक्का उमटा ने वॉन्टेड जाहिर करीने वधु तपास हाथ धरी छे। बरोडा रेन्ज आईजीपी संदीप सिंह सर तथा भरूचना एसपी मयूर चावड़ा सर की सूचनाओं थी कि गोवंश नी जे कटिंग अने तथा मांस नी हेराफेरी करी रहा है एवं प्रकार ना ईसमो सामे भरूच पोलिस कड़क पगला लई अने तेमने शोधी काढे तेवी सूचना थी। जे अनुसंधाने पालेजना पोलिस इंस्पेक्टर एसएम देसाई गई काले पेट्रोलिंग में था ते दरमियान तेमने एवी माहिती मळी के टंकारिया गाम छे ए टंकारिया गाम नी पाछळ जंगल जो विस्तार छे आ विस्तार नी अंदर हाल अत्यारे गौवंश प्राणियों नू कतल चालू छे जेथी तात्कालिक एमने पोतानी एक टीम बनावी अंधारानो समय हतो एटले विस्तार ने राउंडअप करी पोताना माणसो साथे आ प्रकारना ईसमोनो पीछो करी ए स्थळ उपरथी त्रण आरोपीने पकड़ी लीधा छे तथा 200 किलो गौमांस पण जे जग्या उपरथी पंचनामाना आधारे कब्जे करेल छे। वेटरनरी डॉक्टरों ने बोलावी स्थळ तपास करावता गौमांस छे आ प्रकारना जे ईसमो छे ए प्रकारना ईसमोने भरूच पोलीस द्वारा चेतवणी छे के आ प्रकारना कार्यमां रहेशे तो ए लोकोनी धरपकड़ करवामां आवशे आ प्रकारनी गेंगो विरुद्ध कड़कमां कड़क कारवाई करवामां आवशे अने आ प्रकारनी प्रवृत्તિ સદંતર ભરૂચની અંદર નેસ્તાનાબૂદ કરી દેવામાં આવશે। આ તપાસ હાલ પારેખ પોલીસ કરી રહી છે આમાં આરોપીઓ જે વોન્ટેડ છે તેમને પણ પકડવામાં આવશે અને આ તમામ વિરુદ્ધ કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ફરીથી ભરૂચની અંદર ન થાય તેના માટે ભરૂચ પોલીસ કટિબદ્ધ છે। આરોપીઓ કોણ છે? આરોપીઓનું હાલ નામ છે